शनिदेव का अपना दिन है, यह शनि का एक अपना दिन ऐसा माना जाता है जिसमें शनिदेव बहुत ही प्रसन्नचित रहते हैं। शनि जयंती हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। जिनकी भी शनि ढैया हो, सरसाती हो, शनि का कोई दोष हो, शनि नीच के हों, शनि किसी भी प्रभाव में हो, किसी प्रकार के भाव में हो, यदि शनि जयंती के दिन यदि हम लोग शनिदेव के सच्चे मन से पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पाठ करते हैं, उनका पूजा करते हैं, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः, ओम सं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारे जीवन में तमाम प्रकार की जितनी बाधाएं हैं सब दूर होने लगती हैं और हम जीवन में सुख शांति उन्नति और प्रगति तरफ अग्रसर हो जाते हैं। शनिदेव ही हमें राजयोग देते हैं। और शनिवार दिन यदि हम लोग शनिदेव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो दशरथ कृत शनि स्रोत का पाठ करना भी बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। शनि चालीसा का पाठ 11 बार करें। शनिवार दिन काला वस्त्र का दान करें, उनको सरसों का तेल अति प्रिय है, उनको सरसों का दान करें तो आपकी समस्त बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनिवार के दिन कोशिश करना चाहिए कि हमें अपने नाखून नहीं कटवाने चाहिए, अपने बाल नहीं कटवाने चाहिए, उस दिन सरसों का तेल अपने शरीर पर नहीं लगाना चाहिए, उपटन नहीं लगाना चाहिए। शनिवार दिन लड़ाई झगड़ा किसी से मारपीट नहीं करना चाहिए, कोई ख़राब बात नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार करने से हमारे जीवन में तमाम प्रकार की दिक्कतें आ जाती हैं और हमारा जीवन तमाम प्रकार की कठिनाइयों से घिर जाता है। शनिवार दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से करने से शनि दुष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन में तमाम प्रकार की कठिनाइयों को उत्पन्न कर देते हैं। अतः शनिदेव की प्रसन्नता के लिए हमको इन सारी गलत चीज़ों से दूर रहना चाहिए और उनको प्रसन्न करने के लिए तमाम प्रकार के जो उपाय हैं, दान हैं, वो सब करते रहने से शनिदेव प्रसन्न हो जाते हैं। जय शनिदेव।